83 पंचायत वाली जनपद कसरावद में आज अपना नया अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुन लिया है। जनपद पंचायत के 25 निर्वाचित सदस्यों में से 15 सदस्यों ने कांग्रेस समर्थित सारिका राजेश बागदरे के पक्ष में मतदान किया। दूसरे अभ्यर्थी मंजुला मांगीलाल गाड़के को 10 मत प्राप्त हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित उमाबाई लक्ष्मण पटेल को 25 में से 14 मत प्राप्त हुए। दूसरे अभ्यर्थी राजेश ठाकुर सिंह पटेल को 11 मत प्राप्त हुए। कसरावद जनपद वर्तमान विधायक सचिन यादव का विधानसभा क्षेत्र, इसलिए यह चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। तो वहीं भूतपूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने भी अपना जनपद अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। ऐसा माना जा रहा था कि 25 सदस्यों में से 13 कांग्रेस के पक्ष में और 12 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपने अपने निर्वाचित सदस्यों को 15 सदस्यों से अलग अलग स्थानों पर रखा, ताकि कोई प्रलोभन उन्हें तोड़ ना पाए। लेकिन 25 में से 15 मत कांग्रेस के पक्ष में आने से बीजेपी के खेमे में मायूसी देखी गई। वहीं कुछ कार्यकर्ता उग्र होते हुए भी दिखाई दिए गए। बहरहाल सह और मात के खेल में सचिन यादव ने बाजी जीतकर संदेश दे दिया कि चुनावी रणनीति उनके पिता स्वर्गीय सुभाष यादव से विरासत में मिली है। उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे छोटे भैया, हमारे अपने क्षेत्र के प्रिय लाडले विधायक भाई सचिन जी यादव, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास बना के रखा और आज मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ जिन्होंने मुझे मेरे अपनी बॉडी के 15 सदस्य मुझे वोट मिले हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और कांग्रेस कमेटी के सारे जाबाज वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मेरे साथ 15 दिन से दिन रात मेरे साथ चल रहे थे और मुझे उस लायक समझा, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में हमारी इतनी बड़ी जीत, शुरू से ही हमको संभावना थी कि हम 15 से 16 वोटों से जीतेंगे, और शुरू से हमारे लोग और हम करते आए, और हमारे जो हमारी पार्टी, हमारे जो नेता है अरुण यादव जी और सचिन यादव जी की जो एक सोच और विकास के प्रति उनकी जो सोच है, उसके प्रति जो है इस क्षेत्र के सभी जनपद सदस्यों का जो है एक विश्वास रहा कि भैयाओं के हाथ मजबूत करना और भैया के साथ देना है, और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी का ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद में बिठाना है, और उसी बात को जो है उन्होंने जबरदस्त समर्थन देते हुए आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। पूरे विधानसभा में जो है जनपद राजेश भाई सारिका राजेश बागदरे के माध्यम से हम आज जो हमारे साथ जुड़े हैं गरीब तबका और सभी मध्यम तबका, और जैसा कि हमारा क्षेत्र जो है किसानों और गरीबों का है, उनकी जितनी भी शासन की योजना है उनको अधिक से अधिक उसका लाभ दिलाया जाएगा। चलो आओ, जनता किस तरीके से आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने सदस्यों का? सबसे पहले तो मैं बड़े भी हमारे कसरावद से यूडी न्यूज के लिए नईम शेख की रिपोर्ट।